विकलांग समाज सेवा समिति की एक बैठक आयोजित। विकलांग समाज सेवा समिति के तत्वावधान में जामा मस्जिद स्थित मोहम्मद कासिम के निवास पर विकलांगों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकलांगों के हितों को लेकर चर्चा की गई। मोहम्मद कासिम ने बताया कि सरकार द्वारा विकलांगों के हित में कई योजनाएं दी गई हैं, जिसकी जानकारी न होने के अभाव में विकलांग भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। साथ ही सरकार से अनुरोध किया कि विकलांगों को मिलने वाली पेंशन में भी सरकार को बढ़ोतरी करनी चाहिए। विकलांगों को मिलने वाली सेवाएं जैसे जिला अस्पताल में वेश्याओं के प्रमाण पत्र आदि बनने में जो परेशानियां दिक्कत आती हैं, वे प्रशासन द्वारा जांच कराकर दूर की जाएं और निष्पक्ष रूप से विकलांगों के सर्टिफिकेट बनवाए जाएं। विकलांग समाज सेवा समिति से जुड़े नए विकलांग भाइयों को नए पद दिए गए, साथ ही उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करने के साथ उन्हें संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। बैठक में मुख्य रूप से अहमद रजा, अनवर नन्ने, असद सतपाल, अहमद जान, जस्सू सैनी आदि लोग मौजूद थे। आज हमने सारे विकलांगों को यहाँ एकत्रित करके बुलाया है और विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में भी बात हुई है और हम नई संस्था के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। सारे विकलांग जो यहाँ मुरादाबाद के अंदर एक अच्छा काम करेगी, विकलांगों के बारे में अच्छी सोच पैदा है उसके अंदर, और हमने ये देखा है विकलांगों के जितनी भी सरकारें चल रही हैं, योजनाएँ चल रही हैं, वो घर तक लाभ नहीं पहुँच रहा विकलांगों को। इसलिए सारे विकलांगों में बहुत ज़्यादा रोष था, इसलिए नई संस्था का हमने ये सोचा है कि ज्वाइन होना, ताकि इस माध्यम से हमारी सरकार तक बात पहुंचे, क्योंकि ज़्यादा अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। शिक्षा से हम सब लोग हैं, फिर भी नौकरियां नहीं मिली हैं, बेरोजगार हैं। इस महामारी में बहुत ज़्यादा विकलांग वो हुआ है, परेशान हुआ है, और उसके बाद भी सरकार विकलांगों पर ध्यान नहीं दे रही। हमारी दीपावली पर पेंशन आ जानी चाहिए थी, वो भी पेंशन नहीं आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग इकट्ठे हो, अम्बेडकर मनाया जाएगा अम्बेडकर पार्क में, और पहले DM साहब से हम परमिशन लेंगे, उसके बाद मनाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि विकलांगों की पेंशन कम से कम 5,000 रुपये महीना होनी चाहिए। मैं इसी को बात को अपनी समाप्त करता हूँ, और सारे मेरे विकलांग भाई, क्योंकि यही आवाज़ है कि हमारी सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है।